नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामेन टेक बैंकिंग YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, मैं अपने YouTube चैनल माध्यम में लगातार आपके लिए बैंकिंग अपडेट, CSP अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक, अदर हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, हमारे CSP पोर्टल पर आए दिन लगातार कोई ना कोई सर्विस ऐड होती रहती है, जिससे कि हम अपने ग्राहकों को नई नई सुविधाएं प्रदान कर सकें। ऐसे में अभी जो नई सर्विस चालू हुई थी आधार सीडिंग की, जिसमें हम अपने कस्टमर का अपने CSP पोर्टल पर ही उसका आधार कार्ड लिंक भी कर सकते थे और डी लिंक भी कर सकते थे। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं क्या ये हमारी जो आधार कार्ड की सर्विस है वो चालू हुई या नहीं हुई। तो मैं बता दूं, जो हमारी आधार शेडिंग की सर्विस थी वो चालू हो चुकी है। उसके लिए हमें क्या करना है, आधार शेडिंग वाले ऑप्शन में जाना है, वहाँ पर सेलेक्ट करना है आधार शेडिंग सर्विस पे, वहाँ पर उनका अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है कस्टमर का और डालना है क्या आधार नंबर। और जैसे ही वहाँ पर कैप्चर करोगे, इस तरीके से कस्टमर का आधार नंबर आ जाएगा और फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए मांगेगा। जैसे ही हम फिंगरप्रिंट उसके कस्टमर के कैप्चर करेंगे, तो इस तरीके से एक जो हमारा EKYC सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर जनरेट होके आ जाएगा। और यहाँ पर एक नीचे जो ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू वाला, जी हाँ, इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम कंटिन्यू वाले पे ऑप्शन क्लिक करेंगे, और उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, इस तरीके से पॉपअप फॉर्म खुल के आ जाएगा, SBI कैश बैंकिंग आधार सीडिंग डी सीडिंग रसीद। यहाँ पर आपको एक रसीद प्राप्त हो जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर लिख के आ जाएगा कि आपने जो आधार कार्ड लिंक किया है कस्टमर का, वो सक्सेसफुली उसका आधार कार्ड उसके बैंक अकाउंट से लिंक हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है आधार सीडिंग और यहाँ पर सक्सेस का स्टेटस आ चुका है। और इस तरीके से जो हमारी आधार सीडिंग वाली सर्विस है वो चालू हो चुकी है और हम बड़े ही आसानी तरीके से आधार सीडिंग कर पा रहे हैं। और अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम किस अकाउंट में आ रही है वो सारा कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और वो प्रॉब्लम अगर आधार सीडिंग करते समय आ रही है तो क्यों आ रही है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में इतना ही था कि इस अब कोई भी अगर आपके CSP पोर्टल पर स्टेट बैंक का ग्राहक आता है अपने आधार कार्ड लिंक करवाने के लिए, तो आप अपने CSP पोर्टल पर ही उसका जो है आधार कार्ड लिंक कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच।